नमस्कार दोस्तों, मैं ओम ठाकुर स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूँ अभी प्रयाग में, जिसे पुराने समय में इलाहाबाद भी बोला जाता था। अभी मैं जा रहा हूँ प्रयाग मेला स्थल और आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं प्रयाग मेला स्थल अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रयाग मेला और एक्सप्लोर करते हैं पूरे प्रयाग मेला को। मैं पहुंच गया हूं मेला स्थल। मेरे पीछे देख सकते हैं ये है अकबर का किला। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम लोग मेला स्थल को। काफ़ी श्रद्धालु और देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं इस मेला को देखने के लिए, घूमने के लिए। हम मेरे पीछे देख सकते हैं ये है अकबर का किला। यहां कैमरा नहीं ले जाने दिया, नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता कि किस तरह से किला है। बहुत ही खूबसूरत किला है दोस्तों, और प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है इस मेले में। लगभग 16 घाट में कई लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। एक अभी बता रहे थे न्यूज़ में कि कल था मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में ही अकेले लगभग 40 से 50 लाख लोगों ने 16 घाटों में स्नान किया है, ऐसा बताया जा रहा था। और लेडीज़ों के लिए लगभग 700 चेंजिंग रूम यहां पे बनाए गए हैं। ये मेला स्थल जो है पूरे 2500 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। पिछले बार इसका दायरा कम था, पिछले साल लगभग 2000 बीघा क्षेत्रफल में इसका दायरा था, लेकिन इस बार बढ़ाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना विशाल मेला लगा हुआ है। ये देखिए मेला स्थल की तरफ जाते हुए लोग, काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं मेला स्थल की ओर जाते हुए। फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं इस मेला को घूमने के लिए। और ये देखिए पीछे काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर दिख रहा है, वो दूर में बहुत ही अच्छा मंदिर दिख रहा है। मैं खड़ा हूँ पहलवान मिष्ठान भंडार, चलते हैं पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेला घूमते हैं, ताकि नाश्ता करके थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। ये है बैठने की जगह मिल गई है, चलिए अपन कर लेते हैं नाश्ता पहले। बहुत ही बेकार नाश्ता बनाया था इसने, बहुत ही बेकार जैसा समोसा था। और नाश्ता करके तो रिचार्ज हो गया है, जो भूख लग रही थी वो अभी ख़त्म हो गया है और अभी ठीक लग रहा है। मैं अभी चल रहा हूँ मेला के अंदर और काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन का अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जगह जगह पुलिस है सहायता के लिए, हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा की गई है, और लेडीज़ों के नहाने के लिए यहाँ पर अस्थाई बाथरूम बनाए गए हैं, काफ़ी सारे टॉयलेट्स बनाए गए हैं, और साफ़ सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं सिर्फ तंबू ही तंबू नज़र आ रहा है इस मेले में, चारों तरफ सिर्फ तंबू और तंबू और टेंट, काफ़ी सारे टेंट नज़र आ रहे हैं। इस मेला स्थल में लगभग 5 लाख अस्थाई तंबू बनाए गए हैं, ताकि जो सारे साधु संत और जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो भी मेला घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके रहने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लगभग 5 लाख तंबू बनाया गया है ऐसा बताया जा रहा है, और लोग यहाँ पे आके कल्पवास करते हैं। कल्पवास करके जो है 6 स्नान का यहाँ पे जो है किया जाता है। पहला स्नान होता है पौष पूर्णिमा, दूसरा स्नान होता है मकर संक्रांति, जिसमें जो कि 15 जनवरी को पड़ा था और जिसमें मैंने भी स्नान किया, गंगा तट पर डुबकी लगाया, वो दूसरा स्नान हो गया मकर संक्रांति। तीसरा स्नान हो गया मौनी अमावस्या। चौथा स्नान हो गया बसंत पंचमी। पांचवा स्नान हो गया माघ पूर्णिमा। और छठा स्नान हो गया महाशिवरात्रि। तो ये 6 स्नान जो है महत्वपूर्ण माना गया है इस मेला में, और ये 6 स्नान में काफ़ी भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। काफ़ी लोग आस्था के संगम में गंगा जी में डुबकी लगाते हैं,
तो बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मिर्जापुर जिला से। अच्छा, मिर्जापुर जिला से आए हैं। किस लिए लाइन लगा हुआ है यहाँ पे? यह भोजन मिलता है और दक्षिणा मिलता है। अच्छा अच्छा हाँ। अब हम लोग संत महात्माओं को स्नान करना, भोजन करना, नाश्ता करना, अपना दक्षिणा उच्छिणा मिल जाता है। अच्छा, और लाइन लगी हुई है जिससे भगदड़ न मचे, आराम से सब भोजन पा लें। तो देखिए काफी लोग यहाँ पे भंडारा का भी आयोजन करते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं, वो इस तरह का आयोजन करते हैं और बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। जरूरतमंदों को जो है खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, इस तरह से कार्य जो है सबको करना चाहिए। व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, व्यवस्था अच्छा है, प्रशासन भी अच्छा व्यवस्था दिया है। अच्छा, साफ सफाई भी अच्छी है। अच्छा किया है। हम सरकार की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो हमें सुविधा प्राप्त हो रही है उसकी तरफ से बोल रहे हैं, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। जी जी। गंगा नदी में टेम्परेरी पुल भी बनाया गया है, उसके उस तरफ भी पीछे देख सकते हैं, उधर भी कल्पवासी लोग रहते हैं और ये टेम्परेरी पुल को बनाया गया है ताकि उस तरफ पार कर सके। गंगा नदी के ऊपर ये पुल को बनाया गया है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी का बहाव तेज रहता है और गड्ढा नहीं होता है, और यमुना जी काफ़ी गहरी होती हैं, उनका बहाव नहीं होता है लेकिन गड्ढा बहुत रहता है, बहुत ही गहराई रहता है, लेकिन गंगा नदी में गहराई नहीं रहता है। शासन प्रशासन द्वारा देखिए कितना पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा का। देखिए इस मेला स्थल को 6 सेक्टर में बांटा गया है, 6 सेक्टर में टोटल 14 थाने, कंट्रोल रूम, ये सारी चीज़ें हैं ताकि सुचारू रूप से यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को बनाया जा सके। ये पुलिस लाइन है दोस्तों प्रयाग मेला के लिए, और काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जवान यहाँ पर तैनात हैं सुरक्षा के लिए। और मेला इतना बड़ा है दोस्तों, मैं तो घूमते घूमते थक गया है, ठंड में भी देखिए पसीना निकलने लगा है। लगभग 2-3 घंटे मेरे को पैदल चलते चलते हो गए, लेकिन मेला का मैं शायद एक छोर ही घूम पाया हूँ। इतना विशाल मेला है कि एक दिन इसके लिए कम पड़ेगा, 2-3 दिन में ही ये पूरा मेला कवर हो पाएगा। इतना विशाल मेला है कि एक दिन में घूम पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मैं तो 2-3 घंटे चलते हो गए, पूरा ठंड में भी पसीना निकलने लगा है, जबकि यहाँ पे अभी भी बदली छाई हुई है, धूप नहीं निकला है, देख सकते हैं अभी भी बदली है और ठंड का भी मौसम है, लेकिन इतना चल लिया हूँ कि पसीना निकलने लगा है।
काफ़ी बड़ा है दोस्तों माघी मेला। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम 2-3 दिन सिर्फ मेला घूमने के लिए समय निकाल के आइए। प्रयागराज का पूरे देश में प्रसिद्ध ये माघी मेला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। आप लोगों को प्रयागराज का माघी मेला कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। के बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।